बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज टीवी। हुकूमत की तरफ से बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने जा रहा है, जो पेंशन के हवाले से है। मौजूदा पेंशन का एक ऐसा निज़ाम लाया जा रहा है जिसके तहत पेंशन को ख़त्म करने और रेस्टोरेशन, ख़ास तौर पर दो तीन नुकतों जो उसमें ख़ास तौर पर बात की गई है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम जितनी भी असलाहत जो की जा रही हैं उन पर मैं आपके साथ आपको शेयर करूंगा। तो पहले हम तीन बातों इसमें जो ख़तरनाक किस्म की तीन बड़ी बातें हैं वो इस, एक तो यह है कि रेस्टोरेशन को ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि पेंशन बहाली, कुछ अर्से बाद जो पेंशन बहाली होती थी रिटायरमेंट की, इस सहूलत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म। फैमिली पेंशन जो बच्चों को दी जाती थी उसका जो, उसको भी 10 साल तक महदूद कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो अब 35% आपको ग्रेजुएटी मिलती थी उसको कम करके 25% कर दिया गया है। और इस तरीके से ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, ये जो इस्लाहात हैं ये असल में फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं, और 15/1/2024 को इसके बारे में अप्रूवल जो है वो तलब की गई है और कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर कानून लागू हो जाएगा। अगर हम इस पर जाते हैं तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर ए पे आप चले जाएँ तो मल्टी पेंशन की बात की गई, इसका तल्लक ज़्यादा मुलाजमीन से नहीं है, और इसी तरीके से बी का भी तल्लक ज़्यादा मुलाजमीन से नहीं है, इसमें कोई इतना फ़ायदा या नुकसान वाली बात नहीं। जो सबसे इसमें ख़तरनाक किस्म की बात है वो है सी। सी में ये कहा गया है कि मौजूदा इस पेंशन की को जो तीसरी सतह तक ये पेंशन मिलती थी अब इसको महदूद कर दिया गया है। अब जो पहले ये होता था कि एक बंदा मुलाजम आदमी वफात पा जाता है तो उसकी बेवा को मिलती थी, वो वफात पा जाती है तो उसके बाद उसकी किसी बड़ी बेटी को या बेवा को या किसी 25 साल से कम बच्चे को मिलती थी पेंशन, लेकिन अब उन्होंने ये मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब वो कहती हैं कि एक बंदा जब फौत हो जाता है तो उसकी बेगम को तो लाइफ टाइम मिल सकती है, उसके बाद उनके बच्चे हैं उनको सिर्फ 10 साल तक आप उनकी पेंशन ले सकते हैं। ये उन्होंने सी में कहा। अगर हम डी की बात करें तो इंक्रीज विल बी गिवन ऑन द ग्रास नेट पेंशन, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मौजूदा इस निज़ाम में जो जो इसमें तरमीम की गई है वो ये की गई है कि इसमें जो कंबाइंड पेंशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी एक बंदा जब रिटायरमेंट पे चला जाता है तो वो नेट पेंशन जो उसको मिलती होती थी, ग्रास पेंशन की सूरत में जो उसको मिलती होती थी, तो वो जो नेट पेंशन होती थी उसमें जो इंक्रीजिंग इजाफा होता था वो हर साल बढ़ता जाता था। यानी एक बंदे को अगर 10,000 पेंशन मिलती है तो 10% इजाफा हुआ तो 1,000 रुपये का उसको इजाफा हो गया, तो अगले साल 11,000 रुपये उसको पेंशन जो अगली इंक्रीजिंग होगी 10% और मिलेगी। लेकिन वो कहता नहीं, जिस पे आपने पेंशन ले ली है, ग्रेजुएटी ले ली है 10,000 रुपये, तो उसी पे ही 1,000 का इजाफा होगा, तो जो अगले साल 11,000 पर इजाफा नहीं होगा, 10,000 जो शुरू में आपको पेंशन मिली थी हर दफ़ा इजाफा उसी पर ही होगा। अच्छा, इससे आगे चलें तो इससे आगे जो बात की गई है वो ये की गई है कि नंबर सी के बाद नंबर डी की बात करें तो जिसमें ये कहा गया कि कंबाइंड पेंशन कंबाइंड, और उसके बाद नंबर ई की बात करें तो अर्ली रिटायरमेंट डिसकनेक्ट, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है ना इसमें उन्होंने इसमें तज़करा किया है वो ये है कि अर्ली रिटायरमेंट की सूरत में अगर आप वक्त से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उस सूरत में प्री मेच्योर होने की सूरत में, या आप अपनी मर्जी से लेते हैं, यानी इसका मतलब यूं समझ लें कि 60 साल से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उस सूरत में आपको 3 से 10% जो है वो उसमें पेनल्टी आपको अदा करनी पड़ेगी। तो यानी ये यूं समझ लें कि आप अर्ली पेंशन की उन्होंने हौसला शिकनी किया है कि आप जल्दी पेंशन नहीं ले सकते। तो इससे आगे चलें तो एफ में अगर हम चलते हैं तो पेंशन एंड ग्रांटेड ऑन द लास्ट पे ड्रॉल जो रिटायरमेंट इंडिव, अच्छा इसमें ये बात की गई कि पेंशन विल बी कैलकुलेशन ऑफ द 3 ईयर्स, यानी 36, यानी इसमें ये बात की गई है कि लास्ट, पहले ये होता था कि लास्ट जो आपकी ड्रा तनख्वाह करवाते थे उसी पे आपकी ग्रेजुएटेड पेंशन मिलती थी, लेकिन अब पिछले 3 साल की जो बेसिक पे है उसको निकाला जाएगा और उसकी एवरेज निकाली जाएगी और उसके बाद उसमें ग्रेजुएटी और पेंशन जो होगी उस पर वो जो आपको मिलेगी। अच्छा, इससे आगे चलें तो
एक और बड़ी जो खतरनाक किस्म की जो नोटिफिकेशन में बात है वो ये थी कि पहले आपको 35% जो थी वो की रेशो से आपको ग्रेजुएटी मिलती थी और 65% के हिसाब से आपको महाना पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वो कहते हैं जी 25% आपको ग्रेजुएटी मिलेगी और 75% आपको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा आगे चलें तो एच में ये बात कही कि रेस्ट, ये सबसे खतरनाक किस्म का जो इसमें तरमीम की गई वो ये है कि पहले ये था कि रेस्टोरेशन जो होती है वो जितने अरसे आपकी रेस्टोरेशन को कुछ अरसे बाद वो कम्यूट जो होती थी उसको आपने डबल हो जाती थी, यानी रेस्टोरेशन को जो है उसकी रेस्टोरेशन हो जाती थी, यानी कि पेंशन आपकी बहाल हो जाती, डबल हो जाती, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये होगा कि उसको मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट, जितनी आप पेंशन लेंगे आगे जो इंक्रीजिंग होती है वो तो होती है, उसके बाद पहले 75 ईयर बाद या कुछ अरसे बाद उसको डबल कर दिया जाता था एक फार्मूले के तहत, लेकिन अब वो नहीं होगी, जो आप लेंगे वही आपको लाइफ टाइम मिलेगी। इससे आगे चलेंगी, पेंशन वाज गिवन एज पर डिफाइंड बेनिफिट। अच्छा, इससे आगे उन्होंने कहा है कि इस बात की वजाहत की गई है मुकम्मल तौर पर। अच्छा, इसमें जो रेस्टोरेशन में बताता चलूँ कि उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की कि क्या ये नए मुलाजमीन के लिए होगा या नोटिफिकेशन के बाद जो लोग रिटायरमेंट होंगे उनके लिए होगा या उससे पहले जो रिटायर्ड हो चुके हैं मुलाजमीन हैं उनके लिए होगा, इसकी मजीद वजाहत जो है वो जारी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और बात जो ख़ास तौर पर आखिरी बात की गई है वो की गई है कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन है उसके बारे में कि वो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर लागू की जा रही है, जिसके बारे में पहले ही आपको बता दिया गया पंजाब में, तो इसके बारे में बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और गवर्नर पंजाब की जो है उन्होंने अमेंडमेंट किया रूल्स में अमेंडमेंट करते हुए पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की तरह कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो नए मुलाजम भर्ती होंगे उनको उसी के तहत जो है वो पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। तो इस तरीके से मुकम्मल तौर पर ये तजावीज़ जो हैं ये जारी कर दी गई हैं और ये तजावीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वजारत कानून को अरसाल की गई हैं और उसके बाद उनका जो कैबिनेट का इजलास होगा तो उसमें इसकी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद मुकम्मल तौर पर यह कानून बन जाएगा। तो ये आज की एक बड़ी अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।